गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चंदा बिस्ट ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए मिलते हैं, हम दोबारा मिल रहे हैं आपसे। तो आपको कुछ दिखाते हैं कि गिन्नी क्या लाई है और क्या बना रही है। हम लेके आए हैं यू का जिंगी चीज नूडल्स, फर्स्ट टाइम है तो चलो इसको प्रिपेयर करते हैं। ये कितने रुपीज का है नीचे लिखा हुआ। सो गाइस ये MRP इसकी 69 रुपीज़ है। तो ऐसे ही तो इसको मैंने मतलब पहले ओपन कर दिया था पैकेट जो लगा था। तो ये कर रहे थे पढ़ाई, यहाँ खुली इनकी कॉपी किताबें, बैग यहाँ पर है, मगर इन्हें खाना है नूडल। तो जो ये अभी पढ़ाई हो चुकी है तो चलो अब इसको प्रिपेयर करते हैं। रुको इसमें नूडल्स डाल दें, अभी पानी गर्म होने रखा है, इसमें इतना वाटर भरना है और ये इसका निशान है। हाँ। मम्मी मैं बोलूं। और ये इसका वो है चीज टेस्ट मेकर से मसाला, पानी गर्म हो। तो ये है नूडल, जो इतना सा नूडल है इसमें, और देखिए गाइस, और ये है इसका मसाला जो पानी को गर्म करेंगे और इसको इसमें डालेंगे। गाइस हम दो और लेके आए हैं इस बार, ये पूरे कोरियन नूडल्स की शॉपिंग करके आए हैं। सो एक ये है नीसिन का, सामयांग के नहीं थे वरना मैं सामयांग के ही लेती। ये नीसिन का है और ये मैगी का है, कोरियन बीबीक्यू चिकन। और अभी हम ये भी खाएंगे क्योंकि ये तो थोड़े से हम दिन का नहीं होगा, तो ये भी खाएंगे अभी। सो ये वेज है, वेज है, नॉन वेज भी आता है इसमें पर वो चीज़ वाला नहीं होता। पानी हो गया, हम इसमें डाल रहे हैं। जितना वो मार्क है जहाँ तक उसने डाला है। तो अब क्या डालोगी? नहीं मसाला, मसाला चीज। वाह कितना अच्छा ग्रह, दिखाओ मसाला कैसा है इसका। इसमें वेजीज भी हैं, स्प्रिंग ऑनियन, कॉर्न आदि। इसमें कुछ ये क्रम कुछ ये है, पता नहीं क्या है। देंगे 4-5 मिनट के लिए, 5 मिनट लिखा है इसमें। अगर कम पड़े तो हम ये भी खाएंगे, ये वाला खाएंगे। आज हम सिर्फ चीज़ खाएंगे, हम कल परसों खाएंगे। ठीक है तो रख दे रेडी करने के लिए, अभी आपको मिलेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है। सो गाइस 5 मिनट हो गए हैं, चलो अब इसको पहले खोलते हैं। पहले हम इसको शेक कर लेंगे थोड़ा सा ताकि मसाला पूरा मिक्स हो जाए, नीचे ना बैठे। गिन्नी इसका टेस्ट करके बताएगी कैसी है। नमक ज़्यादा है पर अच्छी है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। तो इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए इमरजेंसी में? पता नहीं, मेरे को तो नमक ज़्यादा लग रहा है, मम्मी से पूछते हैं, मम्मी बता पाएंगे असली स्वाद। गिन्नी ने तो खा के देखी है कैसी है, तो मुझे लगा कि मुझे भी खा के चेक करना चाहिए कि कैसे। गिन्नी ने कहा कि नमक हो रहा है, अब मैं देखती हूँ कैसी हो रही खा के। वो तो अच्छी रही है, इसमें थोड़ा टमाटर का भी है टेस्ट, अच्छी लग रही है। थोड़ा सा नमक सकते हैं, नमक है थोड़ा ना, हल्का फुल्का नमक है, बाकी ठीक है। अब मेरा आदि चेक करेगा। मैं कोई घंटा लगेगा, बेचारी की चम्मच में ही नहीं आ रहा है। स्वाद अच्छा आ रहा है,
सो गाइस वो जो नीसिन की रामिन थी वो भी हम इसमें बॉईल कर सो अभी हम ये मसाला डाल रहे हैं इसमें। ये है इसकी सीजनिंग मिक्स है। और ये इसका चीज़ मिक्स है, चीज़ पाउडर है। गिन्नी ने कर दिया है मिक्स चीज़ और मसाला नूडल का। आपने गाय ठंडा पानी से मिर्ची गाय। आपको मिर्ची क्यों लगी थी, आपने मसाला खाया था इसका? मैगी। तो आपको कैसी लगी टेस्ट करके हम बताएंगे। तो गिन्नी टेस्ट किया जाएगा फिर। गिन्नी टेस्ट कर रहे हो क्या आप? चलो फिर करो टेस्ट, बताओ जरा। अब मम्मी की बारी। स्पाइसी बहुत ज्यादा खा। स्पाइसी है पर चीज का टेस्ट भी आ रहा है, स्पाइसी है बहुत। चलो ठीक है, अब मम्मी टेस्ट कर रही है गाइस। गिन्नी ने तो करी कि बच्चे नहीं खा सकते हैं, चिली ज्यादा है इसमें, तो मैंने कहा अब हम टेस्ट आधी केज के नहीं खा पाएंगे। अभी वाली मिर्ची बहुत है मगर नमक नहीं है इसमें, चीज है। अब आधी कर रहा है, पानी से मेरा आदि ने अपना पानी पहले कर रख लिया कि अगर बाई चांस मिर्ची लगती तो सीधा पानी होगा। तो आपको टेस्ट कैसा लगा वह बताओ ना, आप पानी क्यों पी रहे हो? क्योंकि पता नहीं हम तो इतना मिर्ची था। चलो ठीक है गाइस, आदि को बहुत ज्यादा मिर्ची लग चुकी। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताना और अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करना। तो ओके बाय।